सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा यूट्यूब पर। आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है फ्लाई साहिल। आज का सेशन रहेगा कि मुझे वो प्रॉब्लम्स, वो चाहे कोई भी हो, स्पीकिंग प्रॉब्लम या स्पीकिंग डिसऑर्डर बार बार रिपीट क्यों हो रहा है और कभी कभार मैं सही बोल रहा हूँ और कभी कभार मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मेन जो फोकस रहेगा हमारा आज, क्लैरिटी को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे करें क्लियर। सेकेंडली, जो प्रॉब्लम मुझे अगर एक सिचुएशन में आ रही है वो दूसरी सिचुएशन में क्यों नहीं आ रही, ठीक है ना। तो देखिए, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, चाहे अटकना, हकलाना, तुतलाना, यानी कि स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन, छोटे बच्चों में डिले स्पीच या ऑटिज्म, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। सबसे पहले तो आप इस चीज को क्लियर कीजिए, कोई बीमारी नहीं है और ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्रिएट भी हमने ही की और किसी ने तो किया नहीं कि भाई हमारे ऊपर फूंक मार गया, हमारे ऊपर कुछ ऐसा कर गया कि हम अटकने लग गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से आज हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हम स्पीकिंग में लगातार नहीं बोल पा रहे, या स्पीकिंग के अंदर मैं अल्फाबेट्स की क्लैरिटी के अंदर जूझ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस अक्षर को क्या बोलना है। लेकिन लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे खुद को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। ये चीज सबने नोटिस की होगी, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, या आप कभी अकेले बैठे हो या कभी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, कभी ना कभी आपको ये चीज रियलाइज, एक दिन में एटलीस्ट एक बार एटलीस्ट रियलाइज जरूर होती है कि यार मैं तो सही बोल रहा हूं। फिर मैं जब लोगों के सामने बोलना पड़ता है, वहां मेरी ना मेरे को लगातार बोल पा रहा हूं, ना मेरी क्लैरिटी आ रही, ऐसा क्यों। अब देखो, जब मैं उस सिचुएशन नंबर वन पे आते हैं, पहले तो जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता हूँ या किसी रिश्तेदारों के साथ, या मतलब जिसके साथ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, उस सिचुएशन में आपके साथ होता क्या, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले है नंबर वन, आपका स्पीड लेवल, स्पीकिंग लेवल, वो आपके कंट्रोल में रहता है, आप हद में रहते हैं अपनी स्पीड के, जिसकी वजह से आप कुछ भी बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, इफ योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल देन यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी फ्रॉम द डे वन। इफ योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल देन यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी फ्रॉम डे वन। मैटर नहीं करता कितने सालों पुरानी प्रॉब्लम है, मैटर नहीं करता कितनी गलतियां मैंने की, मैटर ये करता है अभी से अगर इस फंडामेंटल के ऊपर अप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट साथ के साथ आपको दिखना शुरू होगा। और वही रिजल्ट हम एक ऑनलाइन सेशन में दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि सर आपका सेशन लेके ना बिल्कुल सही हो गए, वो क्यों सही हुए वो समझो ना, उसके पीछे बेसिक्स हम क्या वर्क करते हैं। बेसिक ये वर्क करता है कि आपके माइंड पे जो नेगेटिविटी और जो सवालों के आपने वो जो एक उधेड़ बुन आपने इकट्ठा कर रखा है दिमाग के अंदर कि हाँ भाई मुझे ये सवाल पूछना, मुझे ये पूछना, चाहे हजार सवाल हो, हजार जवाब मैं दे के जाता हूँ, हर किसी को हर सवाल का जवाब मिल जाता है वहां पे। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि उसका राइट मेथड क्या, आपसे गलती क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जब आपको समझाते हैं, वजह पता लग गई, फिर उसको सही कैसे करना है, राइट मेथड क्या है, जब उसको आपको फॉलो करवाते हैं और इम्प्लीमेंट आपके ऊपर हो जाता है, वहां फील होता है कि यार मैं तो सही बोल रहा हूं, मैं क्यों ऐसे बोल रहा था। फिर वहां से वो हेजिटेशन लेवल, जो हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, डरी हुई आवाज, जब डरी हुई आवाज आपकी सही होगी, वो कैसे होगी, जब डर निकलेगा, डर क्या निकलेगा कि मैं अटकता हूं, मेरे को बोलने के समय ये चीजें याद आती हैं। जब आप राइट मेथड में बोलोगे तो कुछ भी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आएगी और आपका फोकस कहाँ रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, परफेक्टली बोल रहा हूँ। और उस माइंडसेट के साथ आप कुछ भी बोलेंगे ना, चाहे कोई भी कितने सालों पुराना कोई अटकने वाला हो, विद इन आधे घंटे के अंदर वो सही, उसको रिजल्ट हम दिखा देते हैं, तभी लोगों को विश्वास बनता है, लोगों को फायदा हो रहा है। देखो, मेरा मेन मोटिव यूट्यूब पे आने का है कि मेरी नॉलेज से कितने ज्यादा लोगों को
बेनिफिट हो। मैं रोज कुछ ऐसा नया लेके आता हूँ वीडियो में, सो दैट आपको मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक या दो बातें नई जरूर मिलनी चाहिए जिससे आपको फायदा हो। आपको फायदा होगा मेरा YouTube पे वीडियो बनाने का मोटिव सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो अपनी सबसे पहले स्पीड का ध्यान रखिए, वो कैसे कंट्रोल करना है। अभी का एक वीडियो बना लो, एक मिनट का अपना इंट्रोडक्शन या कुछ भी न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर उस वीडियो को एनालिसिस करो, क्या जो मैंने बोला क्या मेरी बात मुझे समझ में आ रही है। फिर सेकंड वीडियो बनाओ उसी समय, और उसके अंदर वो गलतियां रिपीट मत करो जो गलती फर्स्ट वीडियो में आपने किया अभी अभी। फिर जब उन गलतियों से आप सीख के दूसरा वीडियो बनाओगे और वो जब रिकॉर्ड होगा आपको फर्क दिखने लगेगा। यही तो इमीडिएट फर्क होता, और इमीडिएट फर्क क्यों आया, क्योंकि एज सून एज योर स्पीड लेवल गेट्स इन योर कंट्रोल यू विल गेट द क्लैरिटी। जैसे ही स्पीड कंट्रोल में आती है क्लैरिटी वहां से ही शुरू हो जाती है आना। वो चाहे अटकने वाला हो, लगातार एक लाइन भी ना बोल रहा हो, लेकिन जैसे ही स्पीड कंट्रोल में करता है वो एक लाइन क्या 10 लाइनें लगातार बोल के दिखाता है फिर, ठीक है ना। आप उसी चीज की प्रैक्टिस हम देते हैं एटलीस्ट 1 वीक की। जैसे जैसे वो वर्कआउट करोगे, रीडिंग करोगे, और आपके अकॉर्डिंगली कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करती है वो जब आपको लग जाएगा पता, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए, और सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है हेजिटेशन की, वो जो माइंड में फियर है उस फियर को निकाल के बाहर फेंक दो। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो, जितना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर घिरे रहोगे, और उसका एंड रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम से फोकस हटा के सॉल्यूशन की तरफ फोकस लगाओ, सो दैट आपको रिजल्ट मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।